Oh my god, long time no see. Copycat is सच में seriously बोल रहा हूँ, हमारा कोई decide नहीं होया कि हम ये पहन रहे हैं या कुछ। मुझे पता नहीं, पता क्या? हेलो एम जी फैमिली, कैसे हो, क्या हाल चाल, आई होप यू आर डूइंग बेमिसाल। आज का जो दिन है ना वो मैंने बहुत ज्यादा लेट शुरू किया है और शुरू तो शुरू कर दिया हुआ है अपना तो मतलब व्लॉग लेट शुरू किया है, व्लॉग मैंने बहुत ज्यादा लेट शुरू किया है। उसका रीजन ये है कि कैमरा मेरे पास था नहीं, फोन से मैं व्लॉग वगैरह बनाता नहीं हूँ क्योंकि डाटा ट्रांसफर करने में बहुत ज्यादा झंझट होती है। और आज के दिन मैंने सोचा कि अपनी नई गाड़ी जो है ना उसकी शॉपिंग करवाते हैं। सबसे पहली चीज जो ये गाड़ी की चाबी है ना बहुत ही सिंपल सी है, इसको जरा चेंज करवाना है वो चीज, उसके बाद गाड़ी में सीट कवर चेंज। हाँ ये इसका पूरा हाँ हाँ हो जाती है। अभी चलते हैं, लेट हो रहे हैं। वैसे मुक्ति देख रही है तेरा और मेरा प्यार कितना गुड़ है, मैंने भी काला पहना है, तूने भी काला पहना है, प्लान हम दोनों ने। मैं भी इंडिया से, ओ तुम भी चंडीगढ़ से, मैं भी चंडीगढ़ से, वाह कितना गहरा प्यार है हमारा, तू भी पागल मैं भी पागल। अभी फिलहाल तो सबसे पहले गाड़ी में डलवा रहा हूँ मैं मैट, ये पता नहीं एक 7D के नाम से मैट आता है बट देखने में अच्छे लग रहे थे, फुल ब्लैक है तो आई लाइक। वैसे तो कंपनी ने भी दिए थे बट इसका ना बहुत ज्यादा इशू है, जैसे आपने इस पे भी देखा वार्निंग, ये एक्सेलरेटर के वहां पे आ जाते हैं, मतलब फंसता है आगे। बिल्कुल फिट होएगा ना, हिलेगा तो नहीं, बहुत स्लिप कर रहा था, स्लिप भी कर रहा है वो जब हम रेस वगैरह दे रहे होते थे ना तो वो बीच में फंसते थे क्योंकि वो बहुत रिस्की हो जाता है, ये सेफ रहे तो बेटर। देखा जाए ना, सोच के तो मैं ये आया था कि काफी ज्यादा काम करवा लूंगा मैं गाड़ी के, बट ये अपनी है ना, एक तो नई गाड़ी है ना, यही नहीं पता लगता अपनी कौन सी और दूसरे की कौन सी। बस शादी होती है मत बोले, ये मेरी पत्नी है, किसी और की पत्नी है। तेरे साथ तो जन्मों जन्मों का रिश्ता है ना, गाड़ी के साथ तो अभी जुड़ा। तो बात दरअसल ऐसे है कि आज सिर्फ गाड़ी का एक ही काम हो पाया, चाबी जो थी वो ऐसी की ऐसी रहेगी फिलहाल के लिए, शायद कल चेंज हो जाए। मिल पाए कोई बात नहीं, इसकी शॉपिंग कल कर लेंगे। इतनी ज्यादा चालबाज औरत है ना, मुझे इस टाइम बोल रही थी कि मैंने तुम्हारे काम में अपना टाइम दिया, अब तुम मेरे काम में अपना टाइम दो, मतलब गाड़ी के काम के लिए साथ आ गई और अब मुझे अपने दांतों के काम के लिए, इन बेकार से दांतों के काम के लिए साथ लेके जा रही है। कागजात लाएंगे जमीन के तो ये डेंटिस्ट को दिखाने हैं, वो इस जमीन के कागजातों को देख के बताएगा कि कितनी प्रॉपर्टी खाली करनी है, वो ये बता पाएगा ये दांत बचेंगे या शादी पे बिना दांत के घूमेगी। नहीं यार, तभी मैं सोच रही हूँ कि आलस ना मारूं, पता लगे कि शादी के पहले पहले वो दांत निकाल दे, मैं ऐसे रोटी पोटी घूमूंगी वहाँ पे। कैसी सी किस्मत है इसकी, आई है डॉक्टर ही दी है, भगवान चाहता ही नहीं कि तेरा काम बने। हाँ तुम्हारी तो जैसे चाबी बहुत बन गई, दोनों की किस्मत, हम मेड फॉर ईच अदर है। आज ना एक चीज पता चल चुकी है, ये जो बिजनेसमैन होते हैं और जो डॉक्टर और डेंटिस्ट होते हैं इनमें जमीन आसमान का फर्क होता है। बिजनेसमैन जो है ना अपने 24 घंटे काम में दे देता है बट डॉक्टर और डेंटिस्ट जो है ना वो कुछ घंटे बीच में नैप वगैरह भी ले लेते हैं, जो कि अच्छी बात है। बादू कमाइयां होती है डॉक्टर्स की। भाई सच में कमाइयां तो बादू होती है, मतलब एक दांत की कीमत ना डेंटिस्ट के पास, डेंटिस्ट के पास आके पता लगती है क्या कीमत है दांत की। शेड्यूल ऐसा बनाया डॉक्टर ने हमारा कि 5 बजे फिर आएंगे और देखेंगे कि मुक्ति के दांत बचते हैं या नहीं। 5 बजने में ना सिर्फ 45 मिनट बचे हुए हैं तो मुक्ति ने ना स्ट्रेटजी ढूंढ ली हुई है, वो 45 मिनट कैसे यूज करने हैं। मैं तो एक तो यू मेरे बर्बाद है तेरे यूज। दुनिया में ना जा मर्जी चले जाओ, जो मर्जी काम कर लो, पर लड़की के साथ कभी शॉपिंग मत जाओ, मतलब आपको कुछ नहीं समझ आएगा वो क्या कर रही है। बेस्ट कंपेनियन लड़कियों के ना शॉपिंग के लिए लड़कियां ही हैं, खुद जाएं देखें हा हा ही करें और खरीदे जो खरीदना है, बंदे को तंग ना करें। A few moments later फाइनली जाके डेंटिस्ट वाला काम भी हो गया। और एक चीज बहुत अच्छी हुई कि डेंटिस्ट के पास मैं तेरे साथ आया था क्योंकि रिसेंटली ना मैंने अपने दांतों पे क्राउन चढ़वाया था और क्राउन की कहीं ना कहीं दिक्कत ये आती है कि दांत वीक हो जाता है, जैसे तुमने बताया जो चीज भगवान ने आपको दे दी हुई है कोई भी डॉक्टर वो सेम चीज आपको दे नहीं सकता, तो वो नेचुरल चीज है ना, एक बार आप उस पर छेड़छाड़ करवा लोगे तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, थोड़े से कमी पेशी रहती है। nice तो हमने अंदर डॉक्टर को मतलब ऐसे लग रहा था ना डॉक्टर के साथ प्रॉपर सेड़ा बद्दा, मतलब ये और देखा जाए टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, मतलब एक घंटे का वो घंटा बोला प्रोसेस, उसके बाद 2-3 महीने शायद लगेंगे है ना, वो गाड़ी हमारी पीछे रहेगी यार, ये बड़ी दिक्कत आती है, नई गाड़ी पता नहीं लगता गाड़ी है कहाँ पे है। जो जिम जाने का प्लान है ना वो थोड़ा सा डगमगा गया है क्योंकि कल सुबह जिम जाने जाना है क्योंकि कल हमारा पूरा दिन बिजी होने वाला है, शाम को हमें टाइम नहीं मिलेगा और वर्कआउट कैंसिल नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पे,
क्योंकि मैंने अपने आप से कमिटमेंट कर लिया, और जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी मतलब कर दी। अभी हम चलते हैं साइकिलिंग के लिए या फिर वॉक के लिए। वॉक के लिए साइकिल में तो हवा वगैरह भी भरानी पड़ेगी। हाँ, अभी सैर करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम हो गया सैर करने नहीं गए, वहाँ पे थोड़ी बातें बूते मारते हैं और सैर करते करते मारते डिस्कशन करनी है कि शादी पे हमें क्या डेकोरेशन करनी है, क्या करना है, कहाँ करना है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं। ओके मैडम, एंड अभी मुक्ति को ड्रॉप करने के बाद ना मैं भी घर पे जा रहा हूँ चेंज करने कपड़े, क्योंकि मेरे साथ ना आज घट चुकी है दुर्घटना। दुर्घटना कुछ ऐसे कि मेरी ना टी शर्ट पे पीछे लग गया कील, जिसकी वजह से ना वहाँ पे हो चुका है छेद, और मैं अपने जिस्म जो है ना ऐसी लोगों को दिखाता घूमता फिरते जा रहा हूँ। तो एक बार घर जाके कपड़े वगैरह बदल के फिर मुक्ति को पिक करके सैर करने चलता हूँ। कई लोग इतने ज्यादा गवार होते हैं ना, वहाँ पे एम्बुलेंस है, वो हॉर्न मारी जा रही है पर कोई भी ना साइड नहीं दे रहा है। मतलब लोग समझते नहीं है कि एम्बुलेंस को और पुलिस को जब सायरन बज रहा है साइड देनी जरूरी है। भाई साहब, लोगों को ये है कि वो निकल जाए बस, बहुत ही मुश्किल से निकल पा रही है, और उसका बेचारी का ना हॉर्न भी ऐसा मरा सा ही है कि शायद ही सुन रहा है लोगों को। अभी बस घर पे पहुंचा हूँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ नवाब का एक्साइटमेंट लेवल। जब भी मैं बाहर से आता हूँ, बेशक 2 मिनट के लिए जाऊँ, 5 मिनट के लिए जाऊँ, बट एक्साइटमेंट देखो। हाँ जी 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 हाँ जी। ऐसी खेडियाँ खिलवा लो इससे, ऐसी खेडियाँ खिलवा लो, इतना मजे लेता है ना, मजे लेता है ना, है ना है ना है ना है ना। कुछ 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 एक ना मैं चीज़ सोच रहा हूँ कि बड़े दिन हो चुके हुए हैं, नवाब घर पे ही है, तो कहीं घूमने का प्लान बनाया जाए जिसमें मैं और नवाब कहीं पे घूम फिर के आसपास ही जाएंगे, जहाँ पर तू भी जा सके और सैर सूर कर लिया करे हैं। और एक और चीज़ यार, मतलब अगर किसी ने भी डॉग रखा हुआ है, एक चीज़ के लिए मुझे हेल्प कर दो यार, कमेंट करके ये बता दो, डॉग को बाहर सुसू पॉटी कराने की ट्रेनिंग कैसे दे। A few moments later. Oh my god, long time no see. Yeah, copycat नहीं, सच में सीरियसली बोल रहा हूँ, हमारा कोई डिसाइड नहीं होया कि हम ये पहन रहे हैं या कुछ। पता नहीं, पता क्या, मैंने भी रिसेंटली ऑर्डर किया है, मुझे बहुत कूल लगते हैं कार के पहने, तो मैंने सोचा मैं भी ऑर्डर करूंगी, और अभी ना मेरे बेड पे पड़ी थी ये, और मैंने सोचा ये पहनूं आज, मैंने कहा क्या पता कार भी आज यही पहने, एक बार पहन लेती हूं, और भाई साहब तूने सच्ची में ये पहनी हुई है। मतलब देखो, दिन में ब्लैक ब्लैक और अब ये रेड ऑरेंज क्या स्लीवलेस मंगाई है इसमें, अच्छी है ना। अच्छी है, मैं कह रहा हूँ पूरी ट्यूनिंग क्या होता है, जो भी होता है हो रहा है, मतलब ये तो परफेक्ट कपल गोल्स हो रहे हैं। आज बहुत ही ज्यादा टाइम के बाद सुखना लेक पे सनसेट एंजॉय कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट वीडियो में मेरे ख्याल आ ही नहीं पाएगा, सनसेट हो रहा है वहाँ पे, ऑरेंज सा कलर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। सनसेट उस सीमा पे पहुंच चुका है जहाँ पे सन हमें दिख नहीं रहा, सेट हो चुका है पर अच्छा लग रहा है। अच्छे व्यू के साथ डिस्कशन कर रहे हैं आज, थोड़ी सी रेज जो है सूरज की बाहर को आ रही है, पर अच्छा लग रहा है। तो मौसम विभाग में ही लगी हुई है, वो एंजॉय कर रहे हैं और बैठ के बातें कर रहे हैं। आज तक काफ़ी दिनों के बाद कोई ऐसा दिन आया जिसको मैं कह सकता हूँ कि परफेक्ट डे गुजरा है, क्योंकि आज वर्कआउट भी डन और मुक्ति और मेरी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन होनी थी शादी से रिलेटेड, वो भी डन, एंड गाड़ी का थोड़ा सा काम था वो भी डन, इवन दो वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ बट फिर भी काफ़ी हद तक डन, तो गुड डे इवेंट। और अभी ना भूख लगी है जोरों शोरों से, तो घर पे देखते हैं खाने में क्या। घर आते ही हमारे नवाब साहब रेडी है हमें वेलकम करने के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और दादाजी अपना फेवरेट कौन बनेगा करोड़पति एंजॉय कर, क्या मतलब मजा आता है देखने में, आता है ना। See, you come to know lots of many new things. दादाजी का ना रिकॉर्ड है करोड़पति जब से शुरू हुआ है ना, मेरे ख्याल पहले साल से हमेशा, मतलब देखना ही देखना, मतलब कोई ऐसा साल होगा डैडी ने करोड़पति नहीं देखा होगा। मेरे ख्याल अगर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लिखा जाए ना कि कौन बनेगा करोड़पति सबसे ज्यादा किसने देखा है, वो डैडी है, इन्होंने कभी मिस नहीं किया। और एक सीरियल भी आता था यार, पृथ्वीराज चौहान, वो भी प्रॉपर इन्होंने सारा देखा है, जिसमें उन्होंने चिनक्किया वो पता नहीं अलग ही तरीके से मार दिया था, जो कि फैक्चुअल नहीं था, एक मतलब कि अलग ही उस पर सीरियल वाली कहानी चलाई हुई थी। अच्छा वो बातें छोड़ते हैं, अब मुझे ये बताओ खाने में क्या है। मटर पनीर है, दिल ही खुश कर दिया हुआ है भाई साहब। मामा मटर पनीर का तंदूरी रोटी हो जाएगा, मजा आ ठीक है बना देती हूं। अरे थैंक यू, लव यू हो गया। कुछ इस तरीके से मम्मा बनाती है तंदूरी रोटी, अब आप देख रहे हो रोटी है कहाँ पे, तो माता जी जरा दिखाना रोटी है कहाँ पे। ये माता ना थोड़ा सा पानी लगा के रोटी को चिपका देती है और फिर ऐसे बनाती है, मतलब इंडियन जुगाड़। और ऐसे नहीं है कि इस तरीके से बना रहे तो कोई टेस्ट अलग आता है, सेम वही तंदूर वाला फ्लेवर आता है, जैसे तंदूर में मोहन रोटी बनती है ना डिट्टो वैसे ही बनाते हो आप, मतलब आपकी तारीफ कर रहा हूँ। वे अपने वैसे बनानी सीखी कैसे,
ऐसे मम्मी बनाते थे, ऐसे मैं बनाने लग गई। अच्छा, मतलब कि पहले से चल रहा है ये फैमिली ट्रेडिशनल रेसिपी। आपके दादी मम्मा भी बनाते थे ऐसे, मतलब जितने भी वो पुराने बुजुर्ग थे इसी तरीके से बनाते थे। चलो जब तक ये मम्मा रोटी बना रहे हैं ना, आपको एक चीज दिखा, ये चेक करो यार हमारी फ्रीजर, इसके अंदर इतनी ज्यादा बर्फ जम गई ना, इतनी ज्यादा बर्फ जम गई, ऐसा लग रहा है नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे ही है फ्रिज में। भाई साहब ऊपर वाली लेयर में भी पूरी बर्फ थी, वो तो चलो मैंने बाहर निकाल के थोड़ी सी उसको कर दिया हुआ, बट ये चीज मैं निकाल नहीं सकता, तो अभी हमने फ्रिज बंद की हुई है ताकि थोड़ी पिघले एंड ठीक होए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा पानी इतना ज्यादा यहाँ पे कैसे आ चुका हुआ है, मतलब मैं ऐसे लग रहा है कोई पानी का ना यहाँ पे वो आया था सुनामी सुनूंगी, जो ये बर्फ जमकी हुई है, इतना पानी तो गिरता भी नहीं है इसके अंदर। इतना गिरता नहीं है पर बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है, इसीलिए मैंने बंद कर दी है। तो जी हमारा डिनर हो चुका है रेडी, और ये चेक करो तंदूरी रोटी की क्या लुक आई है, मतलब प्रॉपर ढाबे वाली फीलिंग। एंड इसी के साथ जो व्लॉग है ना वो आज का मैं करता हूँ खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। और एक आज बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़, हम ना प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा घूमना फिरना वगैरह स्टार्ट करें, और उससे पहले मैं प्लान कर रहा हूँ कि चलो अपने नवाब के साथ कहीं पे घूमने फिरने जाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके ये बताना कि कहां पे हमें घूमने जाना चाहिए। और उसके अलावा वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों का शेयर भी कर दो अगर अच्छी लगे। बाकी कल मिलते हैं नए व्लॉग में।